Set Currency पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि Koha में करेंसी कैसे सेट करना है। इस ट्यूटोरियल का रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ Ubuntu Linux OS 16.04, Koha वर्जन 16.05। इस ट्यूटोरियल का पालन करने के लिए आपको लाइब्रेरी साइंस का ज्ञान होना चाहिए। इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपके सिस्टम पर Koha संस्थापित होना चाहिए और आपको Koha में एडमिन एक्सेस भी होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वेबसाइट पर Koha स्पोकन ट्यूटोरियल की श्रृंखला देखें। सुपर लाइब्रेरियन यूजर नेम बेला और पासवर्ड के साथ लॉगिन करके शुरू करें। फिर Koha एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलता है। एक्विजिशन पैरामीटर सेक्शन में करेंसीज एंड एक्सचेंज रेट्स पर क्लिक करें। ध्यान दें कि यह डेटा स्वचालित रूप से अपडेट नहीं होता है, इसलिए डेटा को अपडेट करना महत्वपूर्ण है। इससे सही अकाउंटिंग विवरण रखने में भी मदद मिलेगी। प्लस न्यू करेंसी पर क्लिक करें। खुलने वाले नए पेज में अनिवार्य विवरण भरें, करेंसी, रेट और सिंबल। चूंकि मेरी लाइब्रेरी भारत में है, इसलिए मैं मुद्रा के लिए रुपी प्रविष्ट करूंगी। 1 फॉर रेट, रुपी का चिन्ह। INR के रूप में ISO कोड प्रविष्ट करें। मुद्राओं को एक्टिव करने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करें। लास्ट अपडेटेड मुद्रा सेटअप की तारीख दिखाता है। पेज के नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करें। खुलने वाले नए पेज में करेंसी टैब में रुपी का विवरण प्रदर्शित होता है। यदि आवश्यकता हो तो इसे भी एडिट किया जा सकता है। नियत कार्य के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी मुद्रा निर्धारित करें, लेकिन इसे सक्रिय न बनाएं। Koha इंटरफेस पर वापस जाएं। उसी पेज में कॉलम विजिबिलिटी टैब पर क्लिक करें। ऑप्शन से ISO कोड पर क्लिक करें। रुपी के लिए ISO कॉलम टेबल में प्रदर्शित होता है। ध्यान दें कि प्रविष्ट ISO कोड तब उपयोगित है जब मार्क फाइल्स स्टेजिंग टूल्स के माध्यम से इंपोर्ट होती है। टूल वर्तमान में सक्रिय मुद्रा की कीमत को खोजने और उपयोग करने का प्रयास करेगा। करेंसी को एडिट करने के लिए उस विशेष करेंसी के लिए एडिट पर क्लिक करें। मैं मुद्रा USD के लिए एडिट पर क्लिक करूंगी। मॉडिफाई करेंसी पेज खुलता है। आप रेट और सिंबल की वैल्यू बदल सकते हैं। मैं इसे छोड़ दूंगी। ध्यान दें, मैं एक्टिव फील्ड के लिए चेक बॉक्स क्लिक नहीं करूंगी। लाइब्रेरी में उपयोग करने के लिए एक एक्टिव करेंसी मुख्य मुद्रा है। चूंकि मेरी लाइब्रेरी भारत में है, रुपी एक्टिव करेंसी के रूप में उपयोग किया गया है। फिर पेज के नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करें। करेंसीज एंड एक्सचेंज रेट्स पेज फिर से खुलता है। अब Koha सुपर लाइब्रेरियन अकाउंट से लॉग आउट करें। ऐसा करने के लिए सबसे पहले ऊपरी दाएं कोने पर जाएं और स्पोकन ट्यूटोरियल लाइब्रेरी पर क्लिक करें। फिर ड्रॉप डाउन से नीचे लॉग आउट चुनें। इसी के साथ हम ट्यूटोरियल के अंत में पहुंचते हैं। संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने करेंसी सेट करना सीखा। निम्नलिखित लिंक पर वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करके देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं आयोजित करती है और प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें। टाइम के साथ अपने प्रश्नों को इस फोरम पे पोस्ट करें।
स्पोकन ट्यूटोरियल परियोजना को एनएमईआईसीटी एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है। आईआईटी बॉम्बे से मैं ज्योति सोलंकी विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।